आजमगढ़ को विकास की नींव महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से एक नई पहचान मिल सके, जो पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी है, वह तो हुआ ही है। लोक कल्याण की तमाम अन्य योजनाओं को भी अकेले आजमगढ़ में हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, 11,30,000 आयुष्मान के कार्ड अकेले इस जनपद में बने हैं, किसान सम्मान निधि में 7.5 लाख किसानों को 1,940 करोड़ रुपए अब तक आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो चुके हैं, उज्ज्वला योजना में 3 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी प्राप्त हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,10,000 लाभार्थियों को और शहरी क्षेत्र में 17,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है, तो जल जीवन मिशन में भी 4,20,000 से अधिक घरों को हर घर नल की योजना किसे जोड़ने का कार्य हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन में 5,20,000 परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ है, और आजमगढ़ जनपद के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्रित किया गया है, इसका भी उपहार यहां पर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके को उपलब्ध करवा रही है। यह डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है, तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है।